एक झूला इसमें लगा हुआ है जिसका मुंह पश्चिम में है। सूर्य जब उदय होते हैं तो प्रथम किरण इस झूले पे आके गिरती है। बेस्ट लोकेशन लगी है क्योंकि यहाँ से लुक अच्छा आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जयपुर में हैं, तो जयपुर का एक बहुत बढ़िया मंदिर है गलता जी। मैं उसे दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये जो मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है ना पहाड़ी पर, ये वैसे लग तो नीचे रहा है लेकिन काफ़ी हाइट पर है। अभी वहाँ पर जाने वाले हैं हम। और तो दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ ये पड़ता कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है ये। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है जयपुर दिल्ली हाईवे NH 8। तो दोस्तों, ये है गलता गेट, यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर गलता जी के जाने के लिए। और जिस जगह से हमने आना स्टार्ट किया था वो है ये मंदिर गेट, सामने गलता गेट। और यहाँ से ऐसे घूम घूम के ये है सूर्य मंदिर, यहाँ का सबसे हाईएस्ट टॉप पर है। और इससे नीचे दूसरे साइड में है जो कुंड हैं, 7 कुंड बने हुए हैं, गौमुख कुंड, और वो जिसका कभी पानी नहीं सूखता। और इसके अंदर चलते हैं और इधर से दिखता है जयपुर, सामने मोती डोंगरी है। इस प्रकार का मंदिर है, बढ़िया सफेद बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। कितना पुराना मंदिर है ये? 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, और आमेर पुरानी राजधानी है हमारी राजस्थान की, राजा जयसिंह ने बनाया तो इसका नाम जयपुर रखा। और सूर्य भगवान का मंदिर एक ही है जयपुर में, जयपुर के राजा सूर्यवंशी हैं, इसलिए उन्होंने अपने कुल देवता की स्थापना गलता तीर्थ पे कराई है। पूर्व दिशा में इनके नाम से सूरजपोल बाजार है, इनके नाम से सूरजपोल दरवाजा है। और जयपुर शहर में 3 चौपड़ हैं, कोई चौपड़ भगवान के नाम पर नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन एक चौपट का नाम है रामगंज। ये राम के कुल देवता हैं इसलिए चौपड़ का नाम रामगंज रखा गया है। और उत्तरायण में इस मंदिर का मुख्य है, उत्तरायण में सूर्य भगवान का मुखारविंद है। और ये 300 साल पुरातत्व से संबंधित है। और ये एक झूला इसमें लगा हुआ है जिसका मुंह पश्चिम में है। सूर्य जब उदय होते हैं तो प्रथम किरण इस झूले पे आके गिरती है। और अभी हम चलते हैं गलता जी के नीचे की साइड में है वो गौमुख कुंड है, और उस वहाँ पर जिसने गालिब ऋषि ने तपस्या करी थी। तो चलिए दोस्तों, जो मेन गौमुख कुंड है वो ये है। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ है, सब लेडीज जेंट्स सब मिलकर नहा रहे हैं, इस सामने से आती है इधर से। और ये जो मुख से पानी आ रहा है ये हमेशा आता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो गालिब ऋषि जी थे उनको एक वरदान मिला था कि यहाँ पर आपने तपस्या की है 100 साल तो यहाँ का पानी कभी सूखेगा नहीं, कुछ ऐसा था। और ये देखिए ये पूरी घाटी है। एक और कुंड ये है और इसके नीचे एक दो कुंड है। तो दोस्तों, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और अभी देखा आपने वो अपना एक बंदा कहाँ से कूदा था ऊपर से, काफ़ी 10 फुट से करीब पहुँचा था। और इसका एक तो जो 7 कुंड थे उनमें से एक कुंड ये भी है जो ऊपर देखा था उसके अलावा। और ये देखिए पूरी वैली है, मंकी वैली भी बोलते हैं इसको। और जो सामने जो है वो कुंड जिस पर स्नान कर रहे हैं लोग वही है। और ये देखिए क्या शानदार, और ये पूरी घाटी है। अभी नीचे भी एक दो मंदिर हैं वो भी देखते हैं, चलते हैं। एक मिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, ऊपर आपने देखा था वो कुंड है, वो मतलब बारह मास ही चलता रहता है।
तो ये पानी जाता कहाँ पर है, क्योंकि नीचे आते ही पानी का कोई सोर्स नहीं है। और ये देखिए इधर कोई भी झरने का कोई जाने का सोर्स नहीं है, वहीं से आता है और वहीं दो तीन चार कुंड में घूम के और बंद हो जाता है। तो दोस्तों इन छतरियों पर कई मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, मेरे को मूवीज़ का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मैंने छतरियाँ बहुत मूवीज में देखी है, कुछ सिसोदिया रानी बाग की हैं और कुछ। तो दोस्तों यह है सीताराम जी का मंदिर और ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर है, ये देखिए ये भी पूरी घाटी के नीचे है वहीं। तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर इधर। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में जो इतिहास है, ये यहाँ पर हेमा मालिनी जी की और धर्मेंद्र जी की इस जगह का एक शूट लिया गया था और यहाँ से पिक्चर की शूटिंग हुई थी, ये जिससे बाहर का सीन दिखता है और ये अंदर का मूवी का लोकेशन है। इधर से ये पूरा गलता जी का